हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पार्ट टू है। पार्ट वन इसके पहले हम बनाए हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको आप समझ लेंगे कैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है, क्या एयर कंडीशन सिस्टम है उसका, क्या इंपोर्टेंस है। आज हम जानेंगे इसके अंदर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर R22 रेफ्रिजरेंट को यूज करके कि किसका कहां पे कितना प्रेशर होता है, सक्शन लाइन में कितना होता है, डिस्चार्ज लाइन में कितना होता है और क्या प्रोसीजर है, इसके अंदर सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये आपको मालूम है रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये कंप्रेसर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, ये एक्सपेंशन वाल्व हो गया, ये एवापोरेटर हो गया। तो कंप्रेसर के बाद जो लाइन निकला ये डिस्चार्ज लाइन हो गया और ये कंडेंसर में जा करके यहाँ पे कंडेंसिंग मीडियम एयर या वाटर को यहाँ पे हीट को रिमूव करता है। कंडेंसर में हीट को रिमूव किया जाता है और एवापोरेटर में हीट को गेन किया जाता है। ये दो चीज आपको बराबर याद रखना है, कभी भी आपसे क्लाइंट जो है पूछ सकता है इसके बारे में। और ये हमारा जो एवापोरेटर एरिया जो होता है उसको लो साइड बोला जाता है और ये साइड को हाई साइड बोला जाता है। अभी कंडेंसर के बाद जो है यहाँ पे लिक्विड लाइन आया रेफ्रिजरेंट, और उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सपेंशन डिवाइस है, एक्सपेंशन वाल्व जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत तरह के एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, सबका फंक्शन एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है हमारा, आप देखें कंडेंसर पे एवापोरेटर पे सब पे है। फिर यहाँ से जो लाइन निकला ये टोटल एवापोरेटर का लाइन हो गया। यहाँ पे जो प्रेशर का स्टेटस है यहाँ पे लिख दिए हैं आपको। तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब कंप्रेसर जो अपना कंप्रेसिंग डिवाइस, कंप्रेसर का मुख्य तीन काम होता है, कंप्रेस करना, ठीक है, और उसके बाद सक करना, कंप्रेस करना, डिस्चार्ज करना, तीन काम होता है। सक मतलब खींच रहा है, ठीक है, कंप्रेस मतलब उसको दबा रहा है, और डिस्चार्ज जो है डिलीवरी लाइन के जरिए इसको कर दे रहा है। इसको दो चार लाइन से, दो चार नाम से हम लोग इसको जानते हैं। वीडियो का बहुत कम टाइम होता है जिसके लेकर के बहुत सारा कुछ जो है इस बीच में छूट जाती है आप लोग बताने के लिए, लेकिन बेसिकली जो यूज होता है, जिस तरह से फंक्शन है वो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में जो हमारा प्रेशर होता है R22 रेफ्रिजरेंट का, वो 250 से लेकर के 300 PSIG तक आपका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, हाई ज्यादा, कब किसी दिन देखे हो ना आप आउटसाइड टेम्परेचर, धूप ज्यादा है कम है, तो उस हिसाब से ये प्रेशर भी जो है वेरिएशन करता है, समझ गए। तो अगर 270 PSIG हमारा है डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और हमारा आउटसाइड टेम्परेचर कितना होता है, आउटसाइड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हमारा कितना रहता है, एम्बियंट में टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 30 है 35 है 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से क्या होता है, कनेक्ट होता है फैन के जरिए जो है हीट को बाहर निकालता है, क्योंकि कभी भी हीट जो है हाई से लो की ओर जाती है। तो यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है और बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो यहाँ पे जो है हीट जो है हमारा इजिली रिमूव कर जाएगा। अब उसके बाद हीट रिमूव होने के बाद प्रेशर तो सेम ही रहता है, लेकिन हमारा रेफ्रिजरेंट का स्टेटस जो है चेंज हो जाता है, वेपर से लिक्विड में बन जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन में जो प्रेशर है वो वेपर कंडीशन में है। आगे आया लिक्विड लाइन में, लिक्विड लाइन में मान लीजिए टेम्परेचर डाउन होते होते कितना हो गया, 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड का 100 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है ना। इसी को सब कूलिंग हम लोग बोलते हैं, जितना बीच का डिफरेंस है सेचुरेशन टेम्परेचर करके, सब कूलिंग और सुपरहीट का एक अलग वीडियो है हमारा, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है, जो सब कूल लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है, ये आगे हमारा एक्सपेंशन वाल्व में आता है, और एक्सपेंशन वाल्व से जो है निकलता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है, 40 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट में चेक करेंगे तो 40 डिग्री फारेनहाइट 4.4 रहेगा। इसका जो बैक प्रेशर होता है ये आपको 60 से 70 के बीच में देखने को मिलेगा प्रेशर, बैक प्रेशर जो है ना 60 से 70 के बीच में आप प्रेशर, तो 2-4-5 PSIG ऊपर नीचे रहता है, तो उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं करना है। तो 68.5 PSIG एक हम प्रेशर ले लिए मान लीजिए सक्शन लाइन का, तो उसका प्रेशर का अगर सेचुरेशन टेम्परेचर हम लोग देखते हैं तो कितना आता है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो है लाइन आगे कंप्रेसर पर जो सक्शन लाइन में आता है, तो सक्शन लाइन में क्या है, ये यहाँ आसपास रखी हुई सभी वस्तु से क्या करता है, हीट को अब्जर्व करता है, समझ गए। जो भी सामान रखा हुआ है या इंसान है, तो वहां पे जो भी चीज है वो ठंडा हो जाता है और ये रेफ्रिजरेंट जो है खुद को बॉइल कर लेता है। तो
रेफ्रिजरेशन साइकिल बने रहने के लिए वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बनना सिस्टम को बहुत जरूरी है, रेफ्रिजरेंट को बहुत जरूरी है। अब R22 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका -41.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस में है। और यहाँ पे हम लोग एवोपरेटर के पास रूम का टेम्परेचर कितना होता है एयर कंडीशन रूम का, 22 से 25 के बीच में, ये स्टैंडर्ड है, बाकी मान लिया 30 भी है। तो इसको क्या है, ये माइनस में रेफ्रिजरेंट बॉयल करने वाला है तो उसको प्लस में टेम्परेचर मिल रहा है, तो यहाँ पे इजिली बॉयल कर जाता है। और बॉयल करने के बाद सक्सन लाइन के जरिए ये प्योर वेपर कंडीशन में हो जाता है, समझ गए। और उसके बाद ये कंप्रेसर इसको जो है सक कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि एवोपरेटर अगर गंदा हो गया, किसी तरह से उस पर स्केल आ गया या फैन वगैरह नहीं चल रहा है, तो क्या रेफ्रिजरेंट कंडेंस नहीं होता है, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि सुपर हीट जो है सिस्टम को सुपर हीट अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो सुपर हीट भी निकालने के लिए कोई ज्यादा मैटर नहीं है, उसका भी एक वीडियो है, लेकिन बता दे रहे हैं कि सक्शन लाइन का टेम्परेचर जो है और अपना प्रेशर टेम्परेचर, सक्शन लाइन का टेम्परेचर और सेचुरेटेड लिक्विड टेम्परेचर जो है उसको माइनस अप करेंगे तो जो है सुपर हीट निकल जाएगा। जैसे 50 डिग्री फारेनहाइट है और ये 40 डिग्री फारेनहाइट है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना डिग्री आया, 10 डिग्री फारेनहाइट। तो ये हमारा सुपर हीट हो गया रेफ्रिजरेंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को ऊपर के टेम्परेचर को हम लोग सुपर हीट बोलते हैं। तो ये सुपर हीट होने के बाद कंप्रेसर को मिलेगा तो ये अच्छा रहेगा। तो ये प्रोसीजर हमारा चलते रहता है रेफ्रिजरेंट साइकिल में, R22 रेफ्रिजरेंट का जो है इस तरह से स्टेटस रहता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी दूसरे टॉपिक को बताएंगे। अगर आप लोग को दूसरे टॉपिक पे जानना चाहते हैं या जिस टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, कमेंट में मैसेज करें, हम उस वीडियो पे बनाने का कोशिश करेंगे।